डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ई में और वी में क्या अंतर है ये बताना है। पहला डिफरेंस है ईएमएफ। ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स ऑफ अ सेल का इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब करंट उसमें बाहर नहीं निकला, तो दो टर्मिनल्स की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, उसे ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन ये टर्म कब यूज़ करते हैं, जब करंट बाहर निकला, जब करंट बाहर निकला उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट उसमें से पास हो रहा है। नेक्स्ट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं सेल फैक्ट्री से परचेज करके लाया तो मुझे फैक्ट्री वाले ने कहा कि भैया ये 9 वोल्ट का सेल है। तो मैंने कहा यार मेरे घर में तो 100 ओम की रेजिस्टेंस पड़ी है। तो कहता पड़ी होगी, मैं क्या करूँ, मैं तो 9 वोल्ट का बेच रहा हूँ, तो घर में जो मर्जी रेजिस्टेंस लगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ईएमएफ को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाओगे, ठीक है। तो ईएमएफ सर्किट से इंडिपेंडेंट है, इसको कैपिटल आर से लेना देना ही नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को लेना देना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर फ़र्क पड़ता है कि तुमने क्या रेजिस्टेंस लगाई, उसमें फ़र्क पड़ेगा कि तुमने वी उसको क्या दिया। जितना बड़ा कैपिटल आर होगा वी भी उतना बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईएमएफ इज यूज फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ का मतलब हमेशा सेल के लिए ही यूज होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको एक वायर दूं और कहूं इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई करंट है, आई इंटू आर लगा लो, ये ईएमएफ आ जाएगी, कभी नहीं कहूंगा। एक वायर के दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोला जाता है, ई कभी नहीं बोला जाता। ईएमएफ वर्ड हमेशा सेल के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए, और सेल को क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ करंट के लिए यूज करते हैं ईएमएफ, और वी तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, वी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो ये इनमें डिफरेंस है।